आप यहाँ पे अपने गेम्स को रन कर सकते हो। क्या मैं यहाँ से अपने गेम को कंट्रोल कर सकता हूँ? क्लिक करूंगा और मेक श्योर उससे पहले, क्लिक करने से पहले आपका जो फाइनली गाइज लेके आ गया हूँ सॉल्यूशन, जहाँ पे आप खेलने वाले हो अपने सारे पीसी गेम्स को और वो भी अपने फ़ोन के अंदर। और कैसे खेलने वाले हो, क्या प्रोसेस होने वाला है, वो तो मैं इस वीडियो में दिखा नहीं वाला हूँ। बट उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस में इन फ्यूचर लाने वाला हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगी इस एम्यूलेटर पे अपना गेम को खेलने में और बहुत ज़्यादा स्मूथली खेलने में। गाइज मिस्टर सैफ्रन वाइटी के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और यहाँ पे मेजरली GTA रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करता हूँ। अगर आप GTA एंथुजियास्ट गेमर हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेजरली ट्यूटोरियल वीडियोस एंड काफ़ी लोगों की हेल्प करने के लिए मैं वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों की हेल्प हो। एंड दिस वीडियो माइट बी लॉन्ग, बट कॉन्टेंट में जो दम होने वाला है ना, वो आपको इस वीडियो के अंदर दिख जाएगा। और उसके अलावा यार, क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियोज बाय वीडियो, तो अगर आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो प्लीज़ नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट करके और भी फ्यूचर अपडेट्स को मैं यहाँ पे अप्लाई एंड इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्ले स्टोर में आकर के एंड अपने मूनलाइट गेम स्ट्रीमिंग ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है। एंड अभी ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ 2 MB का ऐप है। एंड इंस्टॉल हो जाने के बाद में ना, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपने ना PC के अंदर जाना है सबसे पहले। एंड PC के अंदर जाने के बाद में यू विल सी कि आपको ये एक फाइल देखने के लिए मिल जाएगी, zip फाइल, ठीक है। ये आपको डाउनलोड करनी है, जो कि विंडोज़ के लिए है। और ये वाली फाइल का लिंक आपको टेलीग्राम के चैनल पे मैं दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। अब बेसिकली इस वाली जो सनशाइन विंडोज़ का जो पोर्टेबल है, इसको जहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक फोल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। इस फोल्डर पे जाएंगे एंड सनशाइन का यहाँ पे जो exe वाला जो है ना, इसको हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके एंड इसको ओपन करना है। यहाँ पे आप देखोगे अलाउ एक्सेस के लिए पूछेगा, एंड उसके बाद में ये पूरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा आपके PC में विदाउट टेकिंग एनी। सो गाइज आप देख सकते हो ये हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे क्लिक करके एंड सनशाइन के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ओपन सनशाइन के बटन पे क्लिक करना है। आपके ब्राउजर पे आपको ले जाएगा एडवांस के बटन पे क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड टू लोकल होस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये हमें ले जाएगा इधर, और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे आपको ना अपना पासवर्ड और यूजर नेम आपको सेट करना है, जिससे कि आप यहाँ पे लॉग इन कर पाओ। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया है। एंड यहाँ पे एक बार और हमें पासवर्ड और यूज़र नेम डालने के लिए यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यार पासवर्ड और मेरा यूज़र नेम। यहाँ पे मैं साइनिंग के बटन पे क्लिक करता हूँ एंड नाउ गाइज यू कैन सी कि हम हमारे यहाँ पे वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं। एंड यहाँ पे ये आ गया है वर्जन, यहाँ पे कौन सा है हमारे पास में, जो कि हमने वर्जन डाउनलोड करके रखा था, तो ये वही वर्जन हमको दिखा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है वो आप अच्छे से देख लो। हमें यहाँ पे अब अपने फ़ोन के अंदर जाना है। तो गाइज अब यहाँ पे आपको जो है मूनलाइट की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये मूनलाइट की एप्लीकेशन आप देख सकते हो, ये मूनलाइट एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करके आप ओपन के बटन पे क्लिक करोगे। ओपन करने के बाद में आप देखोगे कि आपके सामने यहाँ पे PCs आ रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा PC यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो कि एक्टिवेट है। मैं इसके बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और मेक श्योर उससे पहले, क्लिक करने से पहले आपका जो वाईफाई है वो आपके राउटर से कनेक्ट हो जाना चाहिए। जो नेटवर्क आपके PC में कनेक्ट है, वही जो नेटवर्क है आपके फ़ोन में कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन के अंदर वही वाला जो नेट है वो कनेक्ट करके रखा है। एंड यहाँ पे अब मैं अपने PC पे बटन में क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे बोल रहा है पेयरिंग प्लीज एंटर पिन। ओके, हमें पिन डालने की अभी हम पिन डालने के लिए हमने PC में जाएंगे एंड पिन के बटन पे क्लिक करेंगे। पिन के बटन पे क्लिक करने के बाद में यही पिन हमें यहाँ पे डालनी है, जो हमारे फ़ोन में हमें दिख रही है। और मैं यहाँ पे पिन डाल देता हूँ सिंपली यार 7, 9, 3 एंड 8। ये पिन डाल दिए, सेंड के बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। एंड नाउ आप मेरे फ़ोन के अंदर देखोगे कि यहाँ पे मेरे फ़ोन के अंदर आ चुका है और यहाँ पे मुझे 2 सॉफ्टवेयर बता रहा है। अब मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के बटन पे क्लिक करूंगा ना, स्टीम ओपन करना नहीं चाहता, मैं डेस्कटॉप ओपन करूंगा। एंड आप देखोगे कि मेरे यहाँ पे PC के अंदर डेस्कटॉप आ चुका है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सब चीज़ें को क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो यहाँ पे डेस्कटॉप है ना गाइस, यही यहाँ पे मेरा फ़ोन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेम चीज़ें करी है, हमारे डेस्कटॉप और हमारा फ़ोन यहाँ पे बन चुका है। अब मैं अपने PC में कुछ भी ओपन करता हूँ ना, यहाँ पे आप देख सकते हो Audacity ओपन करा है, तो सेम यहाँ पे मेरे फ़ोन के अंदर भी Audacity ओपन हो चुका है, यानी कि मेरे फ़ोन के अंदर डेस्कटॉप रन कर रहा है। नाउ गाइज अब इसी तरीके से
आप यहाँ पे अपने गेम्स को रन कर सकते हो, और जितने मैंने गेम्स रन किए हैं अपने स्टीम और अपने एपिक गेम के जो प्लेटफॉर्म है उनसे मैंने रन किया है और उनसे मैं रन कर पाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एपिक गेम्स के साथ में जाने का और स्टीम के साथ में जाने का। आप दोनों के साथ गेम खेल सकते हो, ऑनलाइन गेम आप खेलोगे तभी आपके इसमें वर्क करने वाला है। तो बेसिकली यही ट्यूटोरियल था कि आपको अपना एम्यूलेटर को सेट कैसे करना है, ठीक है। अब आप एम्यूलेटर को सेट कर चुके हो, मैं यहाँ पे आपको ना एक गेम चालू करके दिखा देता हूँ, ये बताने के लिए कि हम अपने गेम के अंदर ना कंट्रोल्स को कैसे लाएंगे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं GTA 5 को ओपन करूँगा, एंड एपिक गेम्स के अंदर मैंने अपना यहाँ पे GTA 5 जो है उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। नाउ यू कैन सी कि हमारा जो GTA 5 है ना वो यहाँ पे स्टार्ट होना चालू हो रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि GTA 5 में यहाँ पे मैंने कंट्रोल्स को कैसे लिए। तो चलिए शुरू करते फिर। नाउ गाइस, अभी आप देखोगे हमारे यहाँ पे GTA 5 तो ओपन हो चुका है, और हमारे फोन के अंदर भी GTA 5 यहाँ पे ओपन हो चुका है, जो कि हमने मूनलाइट के सॉफ्टवेयर से चलाया है। मैं आपको बैक जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप के बटन पे क्लिक करना है, रिज्यूम सेशन पे क्लिक करना है, एंड मेरा जो गेम है यहाँ पे GTA 5 अपने डेस्कटॉप पे चालू हो चुका है, और जिसको मैं यहाँ पे जो है कंट्रोल कर सकता हूँ अपने फ़ोन से, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल मेरे को स्क्रीन पे दिख नहीं रहे जिससे मैं कंट्रोल कर सकूँ, अपने कैरेक्टर को मूव कर सकूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे पहले कंट्रोल्स को अनेबल करना पड़ेगा। अब मैं कंट्रोल्स को कैसे अनेबल करूँगा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कंट्रोल्स मतलब है, लेकिन हमारी अभी जो है विजिबल नहीं हो रहे अच्छे से, ठीक है। तो इन कंट्रोल्स को अच्छे से स्क्रीन पे लाने के लिए ना मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ वो आप एक बार देखिए। मैं यहाँ पे अपने मून लाइट के सेशन को यहाँ पे कट करूँगा, थोड़ा सा बैक जाऊँगा, एंड यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद में ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है, एंड नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको एक सेटिंग को अनेबल करना है। वो सेटिंग कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे शो ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स, ठीक है। अब इसको मैं क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे मेरे कंट्रोल्स जो है अब ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे आ जाएंगे अपनी स्क्रीन पे। अभी मैं आपको गेम को ओपन करके दिखाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाके रेज्यूम सेशन पे क्लिक करके, एंड नाउ गाइस यू विल सी कि हमारे जो PC में है यहाँ पे जो पूरे पूरे के पूरे कंट्रोल्स आ चुके हैं, मैं यहाँ से अपनी गेम को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो गाइस इसी के साथ में यार मैंने अपने फ़ोन के अंदर बहुत सारे PC गेम्स को इन्जॉय करा है, और अगर आप भी मेरी तरह अपने PC गेम्स को इन्जॉय करना चाहते हो इस स्ट्रीमिंग ऐप को यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारा कुछ स्ट्रीमिंग हमने अपने PC से किया था, एंड ऑफ कोर्स यार आपके पास PC होना ही चाहिए इसके लिए अगर आप अपने फोन के अंदर खेलना चाहते हो। और सबसे अच्छी चीज ये है कि यार ये ज्यादा आपका इंटरनेट पे रिक्वायर नहीं करता है, आप डायरेक्टली अपने PC से अपनी गेम को जो है यहाँ पे स्ट्रीम कर पाओगे, और कोई भी अदर चीज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ गाइस, अगर आपके पास PC या लैपटॉप नहीं है ना और अच्छा वाईफाई भी नहीं है ना, तो यार आप नहीं खेल पाओगे इस गेम को, क्योंकि यार फिर उस चक्कर में ना आपको एक लैपटॉप तो डिसेंट सा लैपटॉप चाहिए ही होगा, और जिसमें यार आप अपनी गेम को आराम से खेल सको ऐसा लैपटॉप या ऐसा PC आपको चाहिए ही होगा। और अपना सजेशन एंड फीडबैक यहाँ पे आप जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे दूसरी वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल को जरूर विजिट करिएगा फॉर द अदर वीडियोज, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन साइनिंग आउट।